चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों का लेक्चर तो अपलोड हो गया होगा बच्चे, परसों वाला तो हो जाना चाहिए। मैं पूछ लेती हूँ, बाकी सबको मिल गया? LMS पे अपलोड हुआ है वो? जी हुआ हुआ है। हाँ हुआ हुआ होगा होगा अमीदुल्ला, चेक कर लो। ठीक है, तो अब हम एक और चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका डिसोल्यूशन, राइट? आप चेक कर लो, अगर नहीं होता तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर यहाँ पे जाहिर से पूछ लूंगी। ठीक है, या मैं अभी क्लास के बाद फिर उनसे पूछती हूँ कि अपलोड कर दिया हुआ या नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो डिसोल्यूशन के लिए जो हमने कल स्टेप्स, हम दोबारा से इसको देख लेते हैं ताकि जो बच्चे कल नहीं थे वो उनके लिए आसानी हो जाए। हम क्वेश्चन नंबर M18 कर रहे हैं। ठीक है, अब जो अभी हमने चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर करना है, हमने डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट और एडमिशन सेम डेट पे होना, इवन अगर डेथ और एडमिशन भी हो जाए तो वो भी आपको पता है कि उसमें कैसे करना होगा। डेथ इज सिमिलर टू रिटायरमेंट, राइट? दोनों में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। अब हम जो चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं वो है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन मैं इसलिए करा रही हूँ कि कदर सिंपल है, ठीक है, और इसके अंदर एक रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके अमलगमेशन में भी आ सकता है। तो इससे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को कर लेते हैं, राइट? डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? डिसॉल्व हो जाना पार्टनरशिप बिजनेस, अगर बिल्कुल सही सारे पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि अब हम बिजनेस खत्म करना चाह रहे हैं, राइट? तो डिसोल्यूशन के लिए आपके पास जो स्टेप्स हैं वो नेचुरली सी बात है थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके पास जैसा ये सवाल देख लेते हैं, इस सवाल में क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2:2। दे डिसाइडेड ऑन 1 जनवरी 2014 टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज एज फॉलोज। और इसमें आपको नजर आ रहा है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल है, रिजर्व अकाउंट है, लाइबिलिटीज में सन्ड्री पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। और नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में ये बताया जा रहा है कि जितने भी आपके पास नॉन करेंट एसेट्स थे उसमें से ए जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहा है एट ₹35,000। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की आगे जो वैल्यू, जो बुक वैल्यू है वो तो है 52,000, राइट? ये आपका क्या है फिर? ये 35,000, इसको कहते हैं अग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगी आगे जाके, सिर्फ अभी इसको रीड कर लेते हैं। B is to take the entire inventory at 35,000 and C is to take furniture at 3,000। तो जब ये बिजनेस खत्म कर रहे थे तो पार्टनर्स के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहें तो, क्योंकि अब बिजनेस खत्म होने वाला है, खत्म करना है, तो वो चाहें तो वो किसी एसेट को, किसी लाइबिलिटी को अपने घर भी लेके जा सकते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज बोथ कैन बी टेकन ओवर, रिमेंबर दैट। ठीक है, मैं इसकी डबल एंट्रीज आपको भी करा लिखवा दूंगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन है? ए ने डिसाइड किया कि वो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी घर लेके चला जाएगा, ये क्या है? ड्रॉइंग है, राइट? बी क्या लेके जा रहा है? एंटायर इन्वेंट्री, और सी फर्नीचर को लेके जा रहा है। और ये आगे इन्होंने वैल्यूज जो दी हुई हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बुक वैल्यूज के ही इक्वल हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में समझाने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप, यू कैन टेक दिस एज मार्केट वैल्यूज। नॉर्मली जो पार्टनर टेक ओवर करता है किसी भी एसेट को या लाइबिलिटी को, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू पे एग्री करता है। वो ये कहता है कि अच्छा, बुक्स के हिसाब से तो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 52,000 की है, राइट? लेकिन मेरे नजदीक 35,000 की है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी 35,000 है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि वो मार्केट वैल्यू है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट वैल्यू को। दिस इज नथिंग टू, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, जस्ट टू, अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है तो उसका यह जवाब हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है सन्ड्री रिसीवेबल्स रियलाइज्ड ₹16,000। सन्ड्री रिसीवेबल्स को किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया। तो ये क्या हुआ है? रिसीवेबल्स के आगे वर्ड लिखा हुआ है रियलाइज्ड का। रियलाइज्ड का मतलब है कैश में कन्वर्ट हो जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सन्ड्री रिसीवेबल्स ने आपको पे कर दिए ₹16,000 इन कैश। इसी तरह प्लांट को भी किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया, प्लांट भी किसमें कन्वर्ट हो गया? कैश में। तो क्या मतलब हुआ? प्लांट को आपने बेच दिया फॉर कैश ₹40,000। इज दैट क्लियर?
जिन लोगों ने कल क्लास नहीं अटेंड की थी उनको क्लियर हो गई बात। उसामा नहीं, उसामा तो थे, शुमाइला क्लियर है? जी चले, वेरी गुड। फिर आपके पास आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन वाज ₹2000। ये कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है? आप एक फर्म खत्म कर रहे हो, बिजनेस खत्म कर रहे हो, उसके लिए हो सकता है आपको किसी एक्सपर्ट की हायरिंग करने की जरूरत पड़ी हो, उसको आपने कोई पेमेंट वगैरह की हो, कोई कमीशन वगैरह, लीगल फीस होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं कि क्या था, बस आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन गिवन होगा, तो उसकी अभी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम अभी देख लेते हैं, राइट? अब आपके पास सिचुएशन क्या है? यहाँ पे कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, रीजन बीइंग आपका कोई बिजनेस कंटिन्यू थोड़ी हो रहा है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें नेचुरली सी बात है, अब स्टेप्स आपके मटेरियली डिफरेंट हो जाएंगे, राइट? अब स्टेप नंबर वन में हमने कल क्या लिखा था? ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है? अभी क्या स्टेप आपका कह रहा है? जिन्होंने कल क्लास अटेंड किया है प्लीज बेयर विद मी, मैं जल्दी से रिवाइज कर रही हूँ उनके लिए, जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, रिकॉर्डिंग का भी इश्यू आ गया, तो जस्ट आई हैव टू डू इट। ये स्टेप क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि कैश से रिलेटेड एसेट्स और लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? कैश से रिलेटेड लाइबिलिटी है, राइट? आपको बैंक को पे करना है, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया होता है बैंक से, तो कैश से रिलेटेड, कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ इन तीनों आइटम्स के अलावा जितने भी सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको आपने ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इससे क्या मतलब हुआ? सवाल पे आ जाए, समझ में आएगा। आपके पास डिसोल्यूशन कौन सी डेट को हो रहा है? 1 जनवरी 2014 को। तो क्या सिचुएशन होगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को उठाते हैं। सिचुएशन ये होगा कि 1 जनवरी 2014 की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके सामने ये गिवन है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या बुक वैल्यू आ रही है? 52,000। इसका क्या मतलब हुआ? 1 जनवरी 2014 को ब्रॉट डाउन आ रहा है 52,000 का टी अकाउंट में या रनिंग बैलेंस लेजर में, जो भी मेंटेन हो रहा है, राइट? ठीक है ना ये बात शुमाइला, क्लियर है बात? अभी करना क्या है आपने? आपने बिजनेस को करना है खत्म, सारे रिकॉर्ड्स को करना है क्या? खत्म। सारे अकाउंट्स को कर देना है क्लोज। और अकाउंट्स क्लोज करने का क्या मतलब है? अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब ये है कि आपका जो कैरेट डाउन है वो आना चाहिए जीरो। यानी कि आप क्या करें? आप ये करें कि भाई हमने कुछ बस ऐसा काम करना है कि अब एसेट्स और लाइबिलिटीज के जो टी अकाउंट्स है ना, सबसे पहले स्टेप है हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे, बाकियों को भी क्लोज करना है, कैश को भी क्लोज करना है, बैंक को भी क्लोज करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी, कैपिटल को भी, रिजर्व को भी, लेकिन सबसे पहले स्टेप पे हम किसको क्लोज करने जा रहे हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो अभी आपने काम ऐसा करना है कि आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन किसी तरीके से आ जाए जीरो। कैसे आएगा जीरो? अगर आप इस डेबिट बैलेंस को के इक्वल ही कोई अमाउंट क्रेडिट कर दें, यानी कि आप लोग ये पता लग गया कि 52,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि एसेट है उसका अकाउंट आपने करना है क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या करें? कोई डबल एंट्री पास करनी होगी, इसका मतलब है डेबिट हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो बेसिकली किस चीज के लिए होता है? रियलाइजेशन, अल्टीमेट कन्वर्जन इन टू कैश। आप ये करो कि जब आप बिजनेस को खत्म करने जा रहे होगे तो आपने सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेसिकली रियलाइज करवाना है। किस फॉर्म में? या तो वो पार्टनर्स टेक ओवर कर लेंगे या वो एक्चुअल उनकी रियलाइजेशन हो जाएगी कैश में।
तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, उसको जो भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू को ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एसेट होता है तो उस केस में डबल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट का पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्रीज मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में नॉर्मली आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी जाती, सिर्फ टी अकाउंट मांगे जाते हैं। डबल एंट्रीज आपको सिर्फ समझने के लिए हम इस पॉइंट पे मैं लिखवाती हूँ फिर, ठीक है। और किस वैल्यू से आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अकाउंट को क्रिएट किया, क्योंकि देखिए सवाल में आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो फिगर्स आ रही हैं। एक तो ये है 52,000 की बुक वैल्यू और एक ये वाली फिगर है जिसपे पार्टनर ने टेक ओवर किया। तो आपने अभी क्या करना है, अभी आपने बुक वैल्यू को बेसिकली खत्म करना है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली डबल एंट्री पास होगी बुक वैल्यू से, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई सारे एसेट्स के लिए सारी यही सेम डबल एंट्री पास होगी। अब कोई याद आता है कि अगर कोई लायबिलिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर सन्ड्री पेएबल्स है, याद रखिएगा पहले स्टेप में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को इग्नोर कर देंगे, सन्ड्री पेएबल्स है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2014 को हमारे पास सन्ड्री पेएबल्स के टी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, ब्रॉट डाउन बैलेंस है 9,000 का। बुक वैल्यू अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमने बुक वैल्यू पिक की, यही अमाउंट टी अकाउंट में आ रही होगी। अब आपने सन्ड्री पेबल के अकाउंट को भी क्लोज कर देना है, ऐसा केस डेट पे कैरेट डाउन आ जाए जीरो। इसका मतलब ये कि आपको क्रेडिट बैलेंस को करना पड़ेगा डेबिट। सन्ड्री पेबल का अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो अब क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो लाइबिलिटीज के केस में डबल एंट्री क्या पास हो जाएगी, लाइबिलिटीज के केस में डबल एंट्री पास हो जाएगी वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बात, इधर तक कोई कंफ्यूजन? और ये कौन सी वैल्यू, ये भी आपकी बुक वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से एक और आइटम है, इधर लाइबिलिटीज और प्रोविजन दोनों को कर दें, क्योंकि लाइबिलिटी और प्रोविजन इन दोनों का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। लाइबिलिटी अकाउंट या प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन से मुराद क्या, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर एग्जाम्पल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे क्या है, प्रोविजन कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसका भी टी अकाउंट होगा 500, इसका क्या आ रहा होगा, ब्रॉड डाउन आ रहा होगा क्रेडिट साइड पे। उसको खत्म करने के लिए आपने अलाउंस का अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा चलिए पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट भी बनवा दूंगी। इसको एक काम करें, स्टेप्स के लिए एक अलग पेज रखें, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो जरा एक अगले पेज पे जरा कॉपी कर लें आसानी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एसेट्स को, ये हमने डबल एंट्री जो पास की, सारे एसेट्स का जो वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है। तो अगर हम ये लिखें एसेट्स एट बुक वैल्यू, सारे एसेट्स पे आप यहाँ पे लिस्टिंग कर दें एक्सेप्ट फॉर कैश एंड बैंक, तो ये बात गलत नहीं होगी, राइट। ये आपका स्टेप नंबर वन से डिराइव हुआ है। और स्टेप नंबर वन में ही आप दूसरा काम क्या कर रहे थे, लाइबिलिटीज और प्रोविजंस को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख रहे थे। तो आप सिंपली क्या करें, क्वेश्चन में गिवन जितनी भी लाइबिलिटीज एंड अलाउंसेस या प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस एक्सेप्ट फॉर बैंक ओडी एट बुक वैल्यू, वो आप यहां पे लिस्ट डाउन करना है।
ठीक है, तो आपके पास स्टेप नंबर वन ऑटोमेटिकली विदाउट पासिंग एनी डबल एंट्रीज आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं स्टेप नंबर टू पे। क्लियर नहीं है किसी को तो वो सिग्नल कर दे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कोई इश्यू होगा। जी हमीदुल्ला, जवाद, नसीर, उसामा, शमायला, क्लियर है? ठीक है, फिर हम आते हैं अपने स्टेप नंबर टू पे। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर टू अब क्या करता है, देखें अब इस पॉइंट पे नसीम मैंने, हाँ जी नहीं, इसे आज के दिन टाइमिंग चेंज हुई थी, 1:30 बजे का मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे, मैंने कल क्लास में बता दिया था। आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, ठीक है, जितना आपका मिस हुआ है। हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं अभी, सही है, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा अब यहां तक स्टेप नंबर वन करने के बाद आपके पास क्या हुआ, सारे एसेट्स के अकाउंट, सारी लाइबिलिटीज के अकाउंट हो गए खत्म, विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल और रिजर्व को तो हमने वैसे ही नहीं छेड़ा अभी तक, राइट, तो वो आपके पास अभी भी मौजूद है। अब देखिए होता क्या है, आपके पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों आइटम्स को हम हर सिनेरियो में अलग ही रखेंगे। ठीक है, अब डिसोल्यूशन करते हुए, बिजनेस को खत्म करते हुए क्या होगा, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है और मैं बिजनेस अब खत्म करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसको या तो बेच दूंगी फर्नीचर को, या मैं क्या करूंगी, बीइंग अ पार्टनर आई कैन टेक इट टू माय ओन प्लेस, राइट, मैं ड्रॉइंग कर सकती हूँ। तो आपके पास सिमिलरली लाइबिलिटी के साथ भी यही होगा, या तो वो बिजनेस पे ऑफ कर देगा, यानी कि फॉर्म आप पे ऑफ कर दोगे खत्म होने से पहले, आप क्या करोगे अपने सारे सप्लायर्स का हिसाब किताब चुका दोगे, राइट, उनको पे ऑफ कर दोगे, या फिर क्या होगा, पार्टनर भी लाइबिलिटी टेक ऑफ ओवर कर सकता है। ठीक है, तो पार्टनर अगर कोई ओनर अगर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो वो उसको क्या ट्रीट करते हैं, एज कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट। पार्टनर क्या कहेगा कि अच्छा 100 रुपए देने हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पर्सनल एसेट में से ये पे कर दूंगा, आई एम टेकिंग ओवर दिस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कैन बी टेकन ओवर एज वेल एंड लाइबिलिटीज एज वेल। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ डिसोल्यूशन के टाइम पे दो उनके साथ हम बिहेवियर रख सकते हैं। They can either be taken over by partners or कोई asset या किसी liability को asset can be sold for cash and liability can be paid using firm cash. फर्म का कैश, फर्म का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, राइट, यूजिंग फर्म कैश, अग्रीड, राइट। इन दोनों सिनेरियोज में आप ये कर सकते हो। अब देखिए आपने क्या करना है, जिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपने क्लोज कर दिया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब आपने उसके साथ की ट्रीटमेंट देखनी है कि क्या हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन आपको अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी, तो स्टेप वन के लिए आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जाना ही नहीं है, आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से आपने रियलाइजेशन अकाउंट में फिगर्स डाल देनी है। स्टेप नंबर टू के लिए और थ्री के लिए अब आप क्या करोगे, और फोर के लिए इंसान आपने अब देखना है अदर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके हम देखते हैं। हमने क्या किया, सवाल के अंदर मुझे डबल एंट्री पास करने की जरूरत है या मैं डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। स्टेप नंबर वन मैं कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में स्टेप नंबर वन के लिए फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंटरी, सन्ड्री रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और सन्ड्री पेबल्स को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी के ट्रीटी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 52,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, राइट। तो हमने यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 52,000, अभी हम बुक वैल्यूज के साथ ही खेलेंगे, वी आर ऑन स्टेप नंबर वन राइट नाउ।
हमें अभी स्टेप वन वन में कोई गर्ज नहीं है कि इनके साथ अल्टीमेटली क्या होता है, बेचे जाते हैं या टेकन ओवर। अभी हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं उनको, क्लोज कर रहे हैं हम अकाउंट को। प्लांट क्रेडिट होगा 30,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा, राइट। इसी तरह फर्नीचर क्रेडिट होगा 5,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। इसी तरह इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स के केस में आपने ग्रॉस रिसीवेबल्स और अलाउंस को अलग अलग ट्रीट करना है। इन्वेंट्री क्रेडिट होगा 40,000 से, ये डेबिट हो जाएगा 40,000 से। अब हम आते हैं रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स के केस में आपके पास दो फिगर्स आ रही हैं, इनफैक्ट तीन है, 17,500 और 17,000। क्या करना है, नेट बेसिस पे नहीं जाना, ठीक है, जा सकते हैं वैसे, लेकिन एक रूल बना लें, अलग अलग कर लें। तो अगर आपके पास ये गिवन है सन्ड्री रिसीवेबल 17,500, ये ग्रॉस अमाउंट है, ये आप यहाँ लिखें। और प्रोविजन की अमाउंट कहाँ जानी चाहिए, अलाउंस की अमाउंट क्रेडिट साइड पे, राइट, क्लियर है ना। हमने डबल एंट्री स्टेप नंबर वन की देखी थी, हमने डबल एंट्री देखी थी कि हम लोगों को करना क्या होता है, लाइबिलिटी या प्रोविजन का अकाउंट होगा डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट, इज दैट क्लियर। लाइबिलिटी एक और आपके पास रहती है सन्ड्री पेएबल्स, इसको भी आपने बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर वन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू पे आपने क्या करना होता है, या जहां पे आप स्टेप्स अलग से लिख रहे हैं वहां पे इसको नोट कर लें। अब हमने डबल एंट्रीज पास करनी है फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ठीक है। अगर एसेट्स हो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर का क्या मतलब है, ड्रॉइंग हो रही है, ठीक है। ओनर्स क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस में से कोई एसेट्स ले रहे हैं। तो आपको ये पता है कि ड्रॉइंग के केस में क्या डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और कौन से पार्टनर का डेबिट अकाउंट, अकाउंट ड्रॉइंग पार्टनर का। जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर ड्रॉ करे, ठीक है। ड्रॉइंग पार्टनर का अकाउंट आपने डेबिट करना है किसी फिगर से। अब क्रेडिट किसको करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आई विड्रू फर्नीचर फ्रॉम द बिजनेस, तो आप क्या करते हो, मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट करके हम फर्नीचर को कर देंगे क्रेडिट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ है, स्टेप नंबर वन में हम सारे एसेट के अकाउंट को, फर्नीचर इंक्लूडिंग फर्नीचर के अकाउंट को तो हम क्लोज कर चुके हैं। अब हमने क्या इरादा कर लिया है, हमने अब इसके बाद कोई डबल एंट्री पास ही नहीं करनी है एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब एसेट का अकाउंट हम क्रेडिट कर ही नहीं सकते, तो अब हम क्या क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, इज दैट क्लियर। रियलाइजेशन अकाउंट आपने कर दिया क्रेडिट। अब सवाल यह आता है कि फिगर कौन सी होगी, वैल्यू क्या होगी। अब आपने ये वैल्यू उठानी है क्योंकि बुक वैल्यू का जितना इस्तेमाल था वो आप कर चुके हैं, खत्म हो गया अब उनका इस्तेमाल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो टेकन ओवर के केस में होती है ना, ये जो वैल्यू है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, ये कहलाती है अग्रीड वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, इनको आप कहते हो अग्रीड वैल्यूज, एसेट्स की भी होंगी और अगर कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर होगा तो वो भी आपके पास अग्रीड वैल्यू ही कहलाएगी, ठीक है। तो अब आपने किस वैल्यू से डबल एंट्री पास करनी है, ये आपके पास अब आ गई अग्रीड वैल्यू, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, लाइबिलिटीज की भी, यहाँ पे वैसे कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स ही टेक ओवर हो रहे हैं,
लाइबिलिटी कोई टेक ओवर नहीं हो रही, कोई पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा, लेकिन आप डबल एंट्री नोट कर लें इसकी भी। यहाँ तक हमने कल किया था, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी या प्रोविजन तो खैर टेकन ओवर नहीं होता, लाइबिलिटी अगर कोई टेक ओवर हो रही है, पार्टनर कोई टेक ओवर कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, दिस वुड बी ट्रीटेड एज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट राइट। तो आपने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है टेकिंग ओवर पार्टनर, ठीक है। क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है ही नहीं कोई, ठीक है। होगी बात क्लियर, ये डेबिट हो जाएगा और ये भी कौन सी वैल्यूज होंगी, टेकन ओवर वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, सॉरी अग्रीड वैल्यू, इज दैट क्लियर। नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो अब चलूं आगे, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर टू करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर टू के लिए हमने वैल्यूज देखनी है कि किस वैल्यू पे टेकन ओवर है। इसका शॉर्टकट भी ये देख लें कि आपने करना क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में पहले करते हैं, एसेट्स बुक वैल्यू पे आएंगे डेबिट साइड पे, और अग्रीड वैल्यू पे आएंगे क्रेडिट साइड पे, क्लियर है बात। और यहां पे लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अपोजिट हो गया, ठीक है। याद रखने के लिए ये कर ले, पहले स्टेप में एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है, तो पहले स्टेप में बुक वैल्यू आएगा डेबिट साइड पे। लाइबिलिटीज और अलाउंसेस का ओवरऑल नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है, तो वो पहले स्टेप में आएगा क्रेडिट साइड पे। स्टेप नंबर टू में अब हो जाएगा रिवर्स, स्टेप नंबर टू में लाइबिलिटीज आ जाएंगी डेबिट साइड पे टेकन ओवर बाय द पार्टनर, एंड एसेट्स टेकन ओवर ओवर बाय द पार्टनर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, इज दैट क्लियर। तब इस सवाल पे हम कर लेते हैं, इस सवाल में आपके पास तीन एसेट्स टेकन ओवर है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और फर्नीचर। तो आपने इन तीनों को कहां लिख देना है, क्रेडिट साइड पे, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और फर्नीचर, ठीक है। 35,000, 35,000 और 3,000, अब यहां पे जरा एक देखें, एक ऐसे छोटा सा पॉइंट है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू थी 52,000 और वो टेकन ओवर हो रहा है एट 35,000। अगर ये नॉर्मल एडमिशन या रिटायरमेंट का सवाल होता तो आप क्या कहते, गेन या लॉस, रीवैल्यूएशन, गेन या लॉस आ रहा है इसमें। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन है कि बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है और अपेरेंटली जो मार्केट वैल्यू है वो कम है, राइट। तो ये बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट ढके छुपे लफ्जों में, इट इज बेसिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट, रीवैल्यूएशन की फिगर, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही एक किस्म का ये उसका ही बहन भाई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का फर्क है और इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज आती है, दैट्स इट, वरना अल्टीमेटली जो आपका आंसर आता है ना वही नेट रीवैल्यूएशन गेन या लॉस के इक्वली आएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, नेट बेसिस पे इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ओरिजिनल अमाउंट भी लिख रहे हैं और उसकी न्यू अमाउंट भी लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपका अमलगमेशन या डिसोल्यूशन के केस में बनता है, रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में या डेथ के केस में वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाने को बोलेगा, अगर बनाने को आ भी जाए फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन अकाउंट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। एसेट्स की बुक वैल्यू डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज और प्रोविजंस की बुक वैल्यू क्रेडिट साइड पे, assets taken over debit credit side, liabilities taken over debit side, so on and so forth, right, clear ho gayi baat।
तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर टू इस सवाल में भी हमने कर लिया। इस सवाल के अंदर कोई भी लाइबिलिटी के बारे में नहीं कहा जा रहा कि सन्ड्री पेबल्स टेकन ओवर बाय बी या सी या ए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री पे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री पे। ये तो एक ट्रीटमेंट हो गई कि या तो एसेट क्या होगा, एसेट और लाइबिलिटीज आपका पार्टनर को ही टेक ओवर करेंगे। अब दूसरी ट्रीटमेंट हम देखते हैं जिसको हम कह देते हैं कि स्टेप नंबर थ्री। वैसे बेसिकली स्टेप नंबर टू और थ्री आप एक ही उसमें भी कर सकते हैं, उसको एक ही स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरी ट्रीटमेंट है कि वो एसेट्स कन्वर्ट हो गए कैश में या लाइबिलिटीज हमारी पे ऑफ हो गई कैश में, यानी कि बिजनेस ने फर्म ने क्लोज होने से पहले अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया, बिजनेस ने खुद पे ऑफ कर दिया लाइबिलिटीज को। तो अगर कोई एसेट आप इस तरह से सेल करते हो या एसेट को क्या करते हो, रियलाइज करते हो, देखिए रिसीवेबल्स एक ऐसा एसेट है जो कि आप बेचते नहीं हो, आप क्या करते हो उसके अगेंस्ट कैश ले लेते हो, तो अकाउंटिंग तो दोनों की सेम ही है, भले बेचो एसेट को या उसके उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, रिसीवेबल्स अपने पैसे वापस ले लो, क्या हो रहा है, दोनों सिनारियोज में आपके पास कैश आ रहा है डेबिट, राइट? एसेट अपना बेच रहे हो, कैश आ रहा है, रिसीवेबल्स आप अपने रिसीवेबल्स को कह रहे हो कि भाई हमें पैसे दो, कैश आ रहा है, इन बोथ द केसेस। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट के लिए भी अब आपके पास कोई एसेट का अकाउंट तो है नहीं, बचा नहीं, तो आपने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने कर देना है क्रेडिट। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी मतलब रियलाइज्ड अमाउंट, बुक वैल्यू खत्म हो गई अब, राइट? तो अब इस सवाल के अंदर भी क्या हो रहा है, सन्ड्री रिसीवेबल्स रियलाइज 16,000। तो हमने स्टेप नंबर वन में क्या किया था, सन्ड्री रिसीवेबल्स के अकाउंट को तो हम क्लोज कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ले आए हैं, राइट? तो जब हम रिसीवेबल्स का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं तो अब इसके अगेंस्ट 17,500 के अगेंस्ट जो हमें 16,000 रुपए मिल रहे हैं उसके लिए फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। इज दैट क्लियर? इसको भी फिल कर लेते हैं, पहले आप स्टेप को कंप्लीट कर लें, लाइबिलिटीज की भी डबल एंट्री रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, काम गया ये। और लाइबिलिटी अगर होती है और उसको अगर पे ऑफ किया जा रहा है, बिजनेस खुद पे कर रहा है, तो उस केस में डबल एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और आपका क्या क्रेडिट होगा, आपका कैश, और ये कौन सी फिगर होगी, अमाउंट पेड की, अमाउंट एक्चुअली पेड, राइट? क्लियर होगी बात, नोट कर रहे हैं सारे? जी नोट कर रहे हैं ना? तो स्टेप नंबर थ्री में भी क्या हो रहा है, मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है, एसेट्स रियलाइज और पेड, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री को फिर मैंने डिफरेंट कलर से यहां पे लिखवा दिया। अब सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अब हम बात आ, अब हमने टेकिंग टेकन ओवर वाला किस्सा खत्म हो गया, अब हम बात करें कि ऐसे ऐसे जो कि रियलाइज हुए, सन्ड्री रिसीवेबल्स रियलाइज 16,000 रुपए, यानी कि हमारे पास डबल एंट्री क्या बन रही है, कैश डेबिट होके क्या क्रेडिट होगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिसीवेबल्स, और इधर आपने क्या फिगर लिख दी, कितना पैसा उनसे हमें मिला है, रियलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, फिर आपके पास आगे एक और आ रहा है, प्लांट भी आपने बेच दिया था, किसी पार्टनर ने उसको टेक ओवर नहीं किया, ये प्लांट आपने बेच दिया और इसके अगेंस्ट आपको कितना कैश रिसीव हुआ बिजनेस को, 40,000।
तो कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो यहां पे हम वही करेंगे, इसको आप एक काम करें यहाँ पे हाइफन दे दें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी डबल एंट्री का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ वही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी आपके पास कैश डेबिट होके, और उसके आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी प्लांट, ठीक है, वो हमने लिख दिया 40,000। और एक काम ये करें, जो जो लाइबिलिटीज टेकन ओवर है ना, ये ब्लू में जो है, इनके ऊपर कैपिटल, इनके साथ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट ए का, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बी की, इसमें डबल एंट्री पड़ेगी, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सी की डबल एंट्री पड़ेगी, ठीक है। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय ए, इन्वेंट्री इज टेकन ओवर बाय बी, एंड सी टेक्स ओवर फर्नीचर, ठीक है। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको। चलें, बेस्ट हो गया, जवाब की तरफ से आ रहा है सिर्फ ओके। बाकी हमीदुल्ला, सामा, शुमाइला, क्लियर है? अच्छा, अब अपेरेंटली अदर इंफॉर्मेशन अब हो गई कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन ही रहता है, ठीक है, वो अभी हमारा एक और, उसको मैं अलग स्टेप में करा दूंगी। अब अपेरेंटली हमने सारा काम कर लिया है, लेकिन एक चीज रहती है, क्या रहती है? देखिए, अब आप अपने आप को टिक करें, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इस अकाउंट में आया और यहां से क्या हो गया, चला गया, है ना, यानी कि इसका आपने सारा काम कर लिया। इसी तरह प्लांट आया और प्लांट आपको क्रेडिट होता भी नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। फर्नीचर डेबिट हुआ और फर्नीचर आपको क्रेडिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। सेम गोज फॉर इन्वेंट्री, ये वाला किस्सा भी खत्म हो गया, ठीक है। और रिसीवेबल वाला किस्सा भी हो गया, अलावा इसी के अंदर अकाउंट फॉर हो गया। क्या रह गया? सन्ड्री पेबल्स रह गया है। सन्ड्री पेबल्स आपको क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, डेबिट साइड पे नजर नहीं आ रहा। और हमने क्या करना है, यू हैव टू इंश्योर कि जो चीज, जो आइटम स्टेप नंबर वन में आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी कि एसेट है, वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में क्रेडिट साइड पे भी नजर आए। या तो इट शुड बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, या इट शुड बी सोल्ड या रियलाइज। सेम गोज फॉर क्रेडिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स में कौन सा? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को स्टेप नंबर वन पे आपने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया है, तो उसका डेबिट ट्रीटमेंट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो दैट लायबिलिटी शुड बी पेड ऑफ यूजिंग फर्म का कैश, या दैट लायबिलिटी शुड बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, राइट। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अब इधर तो सवाल में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, बल्कि अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि ये वाली लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर है। हम अपनी तरफ से तो अज्यूम नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई मिस्टर ए ने 9,000 की लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट टेकन ओवर की इंफॉर्मेशन, हम क्या कहेंगे, ये लायबिलिटी फर्म के कैश को यूज करते हुए इस ही वैल्यू पे ऑफ कर दी गई। इज दैट क्लियर? तो आपने अभी क्या करना है, कॉन्स्टेंट विजिलेंस का क्या मतलब है, अपने आप को अलर्ट रखना है, चीजों को चेक करते रहना है। लॉजिकली भी तो सोचो ना, इसका कुछ होना तो चाहिए, अकाउंटिंग तो इसकी होनी चाहिए थी, राइट। क्लियर हो गई बात? तो इसका क्या मतलब है, ये स्टेप नंबर थ्री है आपका। इसके अंदर हम कहेंगे कि द लायबिलिटी हैज बीन पेड ऑफ यूजिंग फर्म का कैश, बिजनेस कैश। डबल एंट्री क्या पास होगी, कैश आपका क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। अब फिगर कौन से यूज करें, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डिफरेंट सिनेरियो नहीं गिवन, तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली बुक वैल्यू पे आपने पे कर दी, 9,000 आपने पे कर दिया। इज दैट क्लियर? हो गई बात, ठीक है। अब आपके पास अदर इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक आइटम रहता है जिसको आपने अकाउंट फॉर करना है, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताएं, आपने ये खर्चा इनकर किया, ठीक है, खर्चा आपने इनकर किया है, तो डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए इसकी? खर्चा आपने इनकर किया है,
तो आप क्रेडिट पे तो इनकर नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आप तो बिजनेस खत्म कर रहे हैं, अब आपने कोई काम क्रेडिट पे नहीं करना, जो काम करना है वो सारा का सारा कैश पे करेंगे, एक्सपेंस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे फिर सारी चीजों के लिए। देखो बच्चे, एक्सपेंस अब कुछ चीज नहीं है, आज ही के दिन आपने सारा काम करना है, कैश तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? हमेशा स्टेप नंबर 4, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टर्म भी दे सकते हैं, ठीक है? ये हो सकता है लिखा हुआ होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू इतना, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन इसका दूसरा वर्ड है, डिसोल्यूशन। तो इसके लिए डबल एंट्री क्या बनेगी? हमेशा हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसको आपने फॉरन से ही पे कर देना है, कैश क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक चौथा और आखिरी आइटम क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश लिख के आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे। ये फॉर्मेट अब आपका हो गया कंप्लीट, अब इसमें सिर्फ बैलेंसिंग फिगर रहती है, ठीक है? सवाल पे आ जाते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? कैश लिखा ताकि पता लग जाए कि डबल एंट्री हमें अभी अकाउंट में पास करनी है। याद रखिएगा, अभी तक हमने कैश का अकाउंट क्लोज ही नहीं किया हुआ, यानी कि उसमें अभी भी डबल एंट्री पास होनी है, राइट? कैश आपने क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 2000। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, सही है। तो एसेट्स आए और चले गए, लाइबिलिटीज आएंगी इस अकाउंट में और डेबिट भी होती हुई नजर आएंगी। और एक और चीज आपको, एडिशनल चीज क्या डेबिट होती हुई नजर आएगी? हमेशा कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्या होगी? उसको हम कहेंगे रियलाइजेशन गेन या लॉस, ठीक है? और इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि रियलाइजेशन गेन और लॉस बेसिकली क्या है? रिवैल्युएशन गेन और लॉस की तरह ही है कि अगर कोई एसेट की वैल्यू कुछ और थी और उसको टेकन ओवर किस और वैल्यू पे किया गया, तो जाहिर बात है गेन या लॉस का सिनेरियो होगा। लायबिलिटी की अमाउंट बुक कोई और हुई भी थी और उसको पे किसी और अमाउंट पे किया गया, तो हो सकता है कम या ज्यादा पे करना पड़ गया हो, राइट? तो आपका गेन या लॉस उसमें भी सिचुएशन आ जाएगी। और एक एडिशनल क्या आइटम आ गया, एक एक्सपेंस आ गया 2000 का, तो नेट आपने गेन या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। जल्दी से एक फिगर जरा मुझे बता दें कितनी आ रही है गेन या लॉस की। सेवेंटीन थाउजेंड का गेन आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, सॉरी लॉस आ रहा है। डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगा। जिसमें रिवैल्युएशन गेन या लॉस में अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होता है, तो उसको हम रिवैल्युएशन लॉस कहते हैं। तो यहां पे भी आपका रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। जल्दी से करें कैलकुलेशन, हो गई? ठीक है, हो गया सबका? 17,000 आ रहा है, जल्दी से हो गए करते जाएं, ठीक है, वेरी गुड। तो 17,000 का आपके पास क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड पे 17,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, राइट? यहाँ पे आ रहा होगा 17,000। अब ये क्या है? इसको हम कहेंगे रियलाइजेशन क्या हो गया? ये लॉस हो गया, आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम था। और बिल्कुल रिवैल्युएशन गेन या लॉस वाला आपने इसमें लॉजिक लगाना है। रिवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आते थे? सारे लॉसेस, क्रेडिट साइड पे गेन। तो अगर लॉसेस वाली साइड ज्यादा है तो नेट हम क्या कहते थे? लॉस सिचुएशन है।
तो यहाँ पे भी अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो वो भी आपकी कहलाती है रियलाइजेशन लॉस, राइट। और इसकी डबल एंट्री भी कहाँ पड़ेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो तो एक ही रेशियो इनफैक्ट, राइट। ए बी और सी के दरमियान आपने इसको डिवाइड कर देना है, आपने इसको डिवाइड कर देना है ओल्ड रेशियो में, जो कि 5:3:2 है, ठीक है। 5:3:2 यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। जब इसको आप डिवाइड करते हैं 17,000 को, तो आपके पास आंसर आता है 8,500, 5,100 और कितना आ रहा है, 8,500 5,100 और 3,400, सबका यही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहला आपका पार्ट था क्वेश्चन का, जिसमें वो मांग रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, वो वैसे ही हम जब स्टेप से चलते हैं तो आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना पड़ता है, राइट। तो इस स्टेप पे आके आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज के टी अकाउंट हो चुके हैं कंप्लीट, विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको अगले पार्ट में क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि अब आपने कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैश अकाउंट पे। अब ये मांगा है तो इन्होंने पार्ट बी में, ठीक है, लेकिन बेसिकली कैश अकाउंट डिपेंड करता है आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे भी, तो आप करें क्या साथ साथ ही दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। जगह छोड़ दें पार्ट बी के लिए, आप कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं और वो पेज छोड़ दें और पार्ट सी पर आ जाएं, जो कि आपका क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। इसीलिए मैं स्टेप्स के अंदर फिर पहले क्या लिख दूंगी, आपके जो स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 में मैं आपको ये बोलूंगी कि आपने करना है कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट। ये लिख लें, फिर आपको इसका मैं समझा दूंगी कि क्या मतलब है। तो आपके पास ये वाला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5 पे आप करेंगे एडजस्ट कैपिटल अकाउंट एंड कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर। और वो बैलेंसिंग फिगर देखें, बैलेंस कैरेट डाउन तो हो नहीं सकती, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर के आगे लिख देते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आपका बिजनेस तो कंटिन्यू कर ही नहीं रहा, आपको सारे के सारे अकाउंट्स के आगे जीरो बैलेंसेस लेकर आने हैं, बैलेंस कैरेट डाउन सारे के सारे खत्म हो जाने चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में फिर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश टू बी इन्वेस्टेड और विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। इसको कर लेते हैं पहले। तो स्टेप नंबर 5 में पहले हम पॉइंट पार्ट नंबर सी पे आ जाते हैं, ठीक है। बी आपने करना पहले सॉल्व है, उसका फॉर्मेट खड़ा करके उसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। कैश अकाउंट बनाएं और उसको इस तरह से छोड़ दें, अगले पेज पर आ जाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। अब इसमें क्या सिचुएशन है, चले आपके पास ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेज आ रहे हैं 53,500 क्रेडिट, 44,100 क्रेडिट और 39,400
क्रेडिट, राइट। तो आपने क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहाँ पे लिख देना है 53,500, 44,100 और सी है आपका 39,400। और अब आपने डिसोल्यूशन के वक्त जितनी भी एडजस्टमेंट्स पास की हैं, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप वो पास कर दें। तो आपने क्या कहाँ पे सबसे पहले हमने किया, हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया है उसके अंदर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, आपने ये डबल एंट्री पास कर देनी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन अकाउंट में एक क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है और कैपिटल अकाउंट आपने कर देना है इन फिगर्स से डेबिट, राइट। और यहां पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन लॉस 5,100 और 3,400, इज दैट क्लियर। तो आपने पार्ट ए में जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसकी आपने डबल एंट्री पास कर दी, क्लियर हो गई बात रियलाइजेशन लॉस की। अब आप जरा दोबारा सवाल पर आए, अपेरेंटली आपने, अच्छा इसके अलावा भी तो हमने किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में वापस आना पड़ेगा हमें, रियलाइजेशन अकाउंट में वापस आ जाए। और कहां कहां कैपिटल अकाउंट का मेंशन हुआ है, जहां जहां एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स है, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया था ताकि हमें ये चीज ध्यान में रहे कि इसकी डबल एंट्री अभी हमने पास करनी है, राइट। क्लियर होगी बात। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके पार्टनर ए ने टेक ओवर किया है 35,000 पे, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। क्लियर होगी बात। तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमने जो ड्रॉइंग्स हैं उनको हमने पिक कर लिया, ए ने ड्रॉइंग्स की है 35,000 की, बी ने भी ड्रॉइंग की है 35,000 की, और सी ने ड्रॉइंग कितने की है 3,000 के ऊपर, उसने फर्नीचर को विड्रॉ किया। ये काम भी हमारा हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं और तो कोई चीज नहीं रहती आपकी, नहीं, अगर यहाँ पे कोई लायबिलिटी टेकन ओवर वाला पार्टनर होता तो वो हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस से नजर आ रहा होता, हमारे पास अब इधर और कोई चीज नहीं रहती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, हमने लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया, हमने रियलाइजेशन के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो हमने कैपिटल अकाउंट में उनकी एडजस्टमेंट कर दी। अब हम वापस से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पर आएंगे। कैपिटल अकाउंट स्टेप नंबर 5 में हमने एक और चीज को अब क्लोज करना है, इनफैक्ट दो चीजें क्लोज हो जाएंगी, एक तो ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और रिजर्व को भी हमने ट्रांसफर कर देना है। तो अपने पास यहाँ पे एक चीज रह गई, यहाँ पे नोट कर लें, स्टेप नंबर 5 जहां पे आप स्टेप्स लिख रहे हैं वहां पे आप इसको करें, अगर कोई करंट अकाउंट है, कोई जनरल रिजर्व है टू कैपिटल अकाउंट, उनको भी आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोज होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जाके, जनरल रिजर्व या करंट अकाउंट ये कहां पे जाके क्लोज होंगे, कैपिटल अकाउंट में इनका ट्रांसफर होगा। तो इस सिचुएशन में, इस एंट्री के लिए, इस काम के लिए डबल एंट्री क्या पास होगी आपकी, डबल एंट्री आपकी ये पास होगी कि जनरल रिजर्व आपके होंगे डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपके होंगे क्रेडिट, अगर जनरल रिजर्व में आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और अगर आपके पास, चले मैं ये एंट्रीज आपको बाद में इकट्ठी लिखवा दूंगी कि अगर कोई करंट अकाउंट होता है तो उसकी फिर क्या ट्रांसफर एंट्री होती है। करंट अकाउंट से मुराद क्या है कि आपके पास कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन हो रहे हैं और करंट अकाउंट भी मेंटेन हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए का करंट अकाउंट बैलेंस आपको इक्विटी में नजर आ रहा है कितना, -1,00,000 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट और लॉजिक वही वाला अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ
1 जनवरी को एक एक करंट अकाउंट में आपके पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, राइट? नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस 1 लाख का। तो इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा? करंट अकाउंट को करना होगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करना होगा डेबिट। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में है नहीं, वैसे अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आ जाएगा। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट क्या डबल एंट्री बनेगी? वो डेबिट बैलेंस हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। क्लियर हो रही है ना बात? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? और अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट के अंदर, एंट्रीज बस नोट कर लें, ठीक है? वो जब सवाल आएगा फिर हम इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। तो अब वो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू द क्रेडिट ऑफ व्हाट? कैपिटल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में करंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो सिर्फ जनरल रिजर्व है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है? अब आपके पास क्या सिचुएशन है? कैपिटल अकाउंट में अभी आप काम कर रहे हैं, आपने क्या काम करना है? रिजर्व आपके पास आ रहा है कितने का? 5,000 का। इसको अब आपने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। रिजर्व का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, राइट? ओवरऑल इसमें सारे के सारे क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ज्यादा तो नहीं हो गया? इसको अभी अटेम्प्ट करें, यहाँ पे मैं घर पे भी एक दफा आराम से कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह हो जाएगा। स्टेप्स बस आपको याद रखने हैं और इंशाल्लाह प्रैक्टिस से रट जाएंगे आपको, राइट? तो 5,000 का रिजर्व अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? ओल्ड पीएसआर में। हम हमेशा यही करते आ रहे हैं, राइट? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, सारे परेशान हैं क्या? क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, चलें जी। अब रिजर्व हैं, रिजर्व आपके पास हैं 5,000 के। अब 5,000 को जल्दी से, चलें, वेरी गुड। अब 5,000 को जल्दी से 5:3:2 में जरा डिवाइड कर दें, ओल्ड पीएसआर में। हाँ बिल्कुल हसनैन, आप इसको दोबारा से करना पड़ेगा, ये इस तरह से एक दफा में थोड़ी समझ में आता है। क्लास अटेंड करें, स्टेप्स समझ लें, जो जो समझ में आ रहा है। मुझे पता है अभी सबको लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है? इसको घर पे भी एक दफा देखेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। 2,500, 1,500 और 1,000, क्लियर हो गई बात? ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिल्कुल उसी तरीके से हमने रिजर्व को भी डिवाइड कर दिया, रिजर्व को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास देखें कौन कौन से अकाउंट खत्म हो गए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खत्म हो गया, प्लांट फर्नीचर इन्वेंटरी रिसीवेबल्स और ये, राइट? और फिर इसके अलावा और कौन कौन सा खत्म हुआ आपके पास? और अब आपके पास आके रिजर्व का अकाउंट भी खत्म हो गया और सन्ड्री पेबल्स भी खत्म हो गया। रह कौन सा गया? कैपिटल अकाउंट। अब आखिर में आपने क्या करना है, ठीक है? अब आखिर में आपने क्या करना है? जरा बैलेंसिंग फिगर्स निकालें और मुझे बताएं कि वो किस साइड पे आ रहे हैं, डेबिट साइड पे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। मिस्टर ए के पास ओपनिंग जो पैसा पड़ा हुआ था बिजनेस में वो था 53,500। उनको 2,500 के फर्दर रिजर्व भी मिल गए और उनको लॉसेस उनके लॉस उनको मिल गया 8,500 का, और उन्होंने विड्रॉ कर लिए एसेट की शक्ल में, नॉन करंट एसेट की शक्ल में 35,000 के। तो अब उनका पैसा कितना बचा हुआ है फर्म के अंदर? वो बचा हुआ है 12,500, ठीक है? ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है? क्लियर होगी बात? ये जब इसकी बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं तो वो निकलता है 12,500 डेबिट साइड पे। इसी तरह मिस्टर बी का जो पैसा है वो है 5,500 डेबिट साइड पे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इन्होंने 5,500 का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है? और आपके पास 34,000 रुपीज का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा सी को।
तो अगर ये बिजनेस चल रहा होता, कंटिन्यू रहता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, बैलेंस कैरेड डाउन, राइट। लेकिन मसला क्या है, बिजनेस तो हो रहा है खत्म, कैरेड डाउन कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर्स क्या हैं? ये वो फिगर्स हैं जो अब हम क्या कहेंगे, ये वो पैसा है जो कि अब फर्म के जो कैश का अकाउंट है, फर्म का जो कैश है, इसके थ्रू हम इन पार्टनर्स को इनके ये वाले हिस्से पे ऑफ कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं, ये बेसिकली इनकी डबल एंट्रीज क्या हो रही है, कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, इससे इन तीनों अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और क्या क्रेडिट होगा, कैश का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैं कैश लिख देती हूँ, इज दैट क्लियर? तो इस डबल एंट्री पास करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स का जितना हिस्सा बनता था ना, वो हमने उनको कैश में पे ऑफ कर दिया, इज दैट क्लियर? इसलिए क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को आपको पहले क्लोज करना पड़ता है और फिर आप कैश अकाउंट बना पाते हो। कैश अकाउंट पार्ट बी है, रिक्वायरमेंट बी है, लेकिन उससे पहले आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना जरूरी हो जाएगा। 35,000, 35,000, 35,000, और 3,000 कहाँ से आया बच्चे? ये चीज है, ड्रॉइंग्स हैं, ये चीज है, ए इज टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये ड्रॉइंग हो गई ना हमीदुल्ला, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे लिखे थे 35,000, 35,000 और 3,000। तो डबल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होने, ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, क्लियर हो गई बात? तो ये बेसिकली ये ड्रॉइंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स की जो ड्रॉइंग्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स में ड्रॉइंग्स जो हुई हैं, और एक करंट भी हुई है, एक इन्वेंट्री भी हुई है, क्लियर हो गई हमीदुल्ला बात? ठीक है, तो डबल एंट्री इनकी क्या बनी, एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स में। हमने डबल एंट्री ये वाली पढ़ी थी कि आपके पास स्टेप नंबर टू में क्या होता था, एसेट जो टेकन ओवर हो रहा है उससे आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी तो करना है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में गिवन है ना, हमेशा से हम ओपनिंग बैलेंस यहां से उठाते हैं, ये रहा। ठीक है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के यहीं से पिक करते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, आपके पास कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज और आपको ये पता लगा कि मिस्टर ए का हिसाब बनता है 12,500, सी बी का बनता है 5,500 और सी का है 34,000, जो कि इनको फर्म के कैश से हमने पे, मतलब बिजनेस में पे ऑफ कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं फिर कंप्लीशन ऑफ कैश अकाउंट पे। अब हमारे पास जो आइटम्स क्लोज हो चुके हैं वो हैं ये सारे, कौन कौन से बच गए, कैश से रिलेटेड आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट बचा हुआ है और कैश इन हैंड बचा हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक ही टी अकाउंट में आपने इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है। कैश इन हैंड आपके पास क्या है, एसेट है, तो इसका ब्रॉट डाउन कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो कैश इन हैंड जो आपके पास है वो है 8,500, ठीक है, कैश इन हैंड आपके पास है 8,500, और दूसरा आपके पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है 1,500, राइट, तो ये क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे, ब्रॉट डाउन लिखते हैं 1,500। ठीक है, यानी कि कैश का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट एकदम से क्लोज नहीं होता, उसमें आपको पहले एंट्रीज पास करनी होती है, इसलिए हमने सबसे आखिर में इनको रखा हुआ है। जो दूसरे एसेट्स और दूसरी लाइबिलिटीज हैं वो तो बस आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आंखें बंद करके ट्रांसफर कर दिया, खत्म कर दिया फॉरन से, वो टी अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, कैश के अकाउंट के आपने दोनों बैलेंसेज यहाँ लिख दिए, ये कैश इन हैंड का बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, एक एक करके इस रियलाइजेशन के जितने भी आपने स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं उसमें जहां जहां कैश पे हिट पड़ा था आपने उसकी डबल एंट्री यहाँ रिकॉर्ड कर देनी है। जैसे पहला कैश का कहां पे मेंशन हुआ है,
पहला कैश का मेंशन हुआ है यहाँ पे, रिसीवेबल्स ने जो रियलाइज किए 16,000 रुपए, कहाँ लिखा हुआ है ये, अदर इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा हुआ है सन्ड्री रिसीवेबल्स रियलाइज 16,000। तो हमने डबल एंट्री क्या पास की करनी है इसमें, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश आया बिजनेस के पास, राइट, क्लियर हो गई बात जी। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगी क्लियर बात। सारे आइटम्स को आपने अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। एक और आपने एसेट बेचा था, प्लांट को आपने बेचा था जिससे आपको मिले हैं 40,000 रुपीज, इसकी डबल एंट्री भी क्या पास हुई, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होके कैश आपका डेबिट हुआ। तो मैं दोबारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख रही हूँ, डबल एंट्री देखनी है कि डबल एंट्री कहाँ पास हो रही है, और आगे मैंने मेंशन कर दी थोड़ी डिस्क्रिप्शन प्लांट, ठीक है। तो आपने क्या किया, रियलाइजेशन करते हुए आपने जो एसेट को बेचा वो आपके पास फिगर आ गई 40,000 और 16,000। फिर आप दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट में आए और कहाँ पे कैश मेंशन हुआ है, और एक यहाँ पे कैश मेंशन हुआ है। आपने कॉस्ट और डिसोल्यूशन को पे करना है, डबल एंट्री हमने क्या बनाई थी उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 2,000 से, वेरी गुड। तो आपने क्या कर दिया, इधर आप दोबारा से मेंशन करेंगे कि डबल एंट्री इसकी कौन से अकाउंट में मिली जाएगी, मिलेगी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में, और आगे आप डिस्क्रिप्शन लिख दें कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 2,000। फॉलो कर रहे हैं सारे बात। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास और भी जितनी कैश के अलावा, हाँ अब एक और आ गया आपके पास कैश का ये आइटम भी है, आपने सन्ड्री पेबल्स को कैश के ही, बिजनेस के ही कैश को यूज करते हुए 9,000 से पे ऑफ कर दिया था। तो अब हम दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या चीज हमने पे ऑफ की यूजिंग कैश, सन्ड्री पेबल्स 9,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में और कहीं पे कैश हमारे पास नजर आ रहा है, नहीं, दैट्स इट। हमने सारे जो कैश के आइटम थे वो हमने अकाउंट फॉर कर लिया। अब एक और चीज रहती है आपके पास, एडजस्टमेंट पास करते हुए आपने अब एक फ्रेश कैश की ट्रांजैक्शन की है इस स्टेप पर, ये अब आपके पास आ रही क्या है, पार्टनर्स को आपने ये और ये पैसे पे ऑफ कर दिए, राइट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जरा करें 12,500 से, 5,500 से और 3,400 से, इसको करते हैं। हमने रेफरेंस दिया कि अब इसकी डबल एंट्री हमें कहां से मिलेगी, कहां पे मिलेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए बी और सी। और कितनी अमाउंट है, 12,500, 5,500 और 34,000। हो गया काम ये। अब आपके पास कोई रहता है आइटम, कुछ भी नहीं रहता। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, रिजर्व्स भी क्लोज हो गए। 3,400 है, 34,000 है बच्चे, 34,000 है, कैरेट डाउन, ये रहा कैरेट डाउन नहीं, बैलेंसिंग फिगर। तो आपके पास सारे टी अकाउंट अब क्लोज हो चुके हैं, और अब आपको क्लोज कौन सा अकाउंट करना है, कैश से रिलेटेड अकाउंट करने हैं। ये बात याद रखें, अगर आपने सारा काम बिल्कुल ठीक ठीक किया, जरा मुझे कैश अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर बताएं क्या आ रही है, बैलेंस कैरेट डाउन क्या आ रहा है इसमें, कहां पे शॉर्टफॉल है, 8,500 प्लस 16,000 प्लस 40,000 माइनस 1500 माइनस 2000 माइनस 9000 माइनस 12,500 माइनस ये माइनस वो, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, जीरो। अगर आपके पास कैश के अकाउंट में जीरो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इट मींस यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, हो गया ऑटोमेटिकली क्लोज। कैश के भी जो दो अकाउंट थे, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड, दोनों क्लोज हो गए, कोई बैलेंस ही नहीं आ रहा उसमें। तो अब अल्टीमेटली आपने क्या किया, डिसोल्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था, सारे टी अकाउंट को क्लोज करना, राइट।
और वो आप कर चुके हैं। कोई भी मुझे एक अकाउंट बता दें, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कि अभी रहता है। यस अमेजिंग राइट, सही है। बड़ी खुशी होती है जब ये कैश वाला अकाउंट आपका जो है ना बैलेंस हो जाए, और अगर जीरो बैलेंस आ जाए, यस हो गया सारा काम। तो अगर आपका कैश के अकाउंट में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आपने गलती की है कुछ। सारा काम ऐसे पजल की तरह एवरीथिंग वुड फिट इन टू प्लेस और इस तरह से होगा। वाकई में क्या ही बात है, वाकई में मजा ही आ रहा है राइट। एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो ठीक किया ही किया, या तो बिल्कुल ठीक किया होगा या फिर ऐसा आपने मेस किया होगा ना कि वो गलतियां करने के बावजूद आपका कैश अकाउंट बैलेंस हो जाए। मैं टेंशन नहीं दे रही, ठीक है, सही है। चलें तो ये आपका 1000 का और है जो बात करता है, नहीं एक एग्जाम्पल आ गई, गलत है इसका मतलब है, चेक करें फिगर्स। आपका बैलेंस आप फिगर्स चेक कर लो बच्चों, आप दोनों का जवाब और हमीदुल्ला आप लोगों ने कॉपी करते हुए कुछ गड़बड़ की होगी। छुपाई करते हुए भी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो आपने चेक कर लो, ठीक है। क्लास के एंड होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगी इसकी स्लाइड। अच्छा जी, तो वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं एक और सवाल कराना चाह रही थी डिसोल्यूशन का ही, ताकि आज हम डिसोल्यूशन को खत्म कर लें। अच्छा M4 किस किसने किया है होमवर्क, कर लिया आपने, बैलेंस हो गया। जर्नल एंट्रीज इसमें मांगी जा रही थी, जर्नल एंट्रीज मांगी जा रही थी आपके पास, यहां से इसका पैक का सोल्यूशन भी मौजूद है, हो गया आपसे। और बाकी सारों ने किया है M4, नहीं किया तो कल आपके पास आखिरी डे आखिरी टाइम है, कल हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। सफाई की अच्छा चले, कल आज कर लीजिएगा M4, कल इंशाल्लाह आखिरी दिन, मैं कोशिश करूंगी कि कल आखिरी दिन हो, ठीक है। हाँ बहुत अजीब सॉल्व किया हुआ है, तो एक काम करते हैं उसामा, आपने कर लिया वेल एंड गुड, कल का दिन इनको बस मैं दे रही हूँ, ये लोग M4 अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें वर्डिंग रहती है, आई वॉन्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। फिर कल हम इसको, फिर कल फाइनल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे, भले किसी ने किया हो ना किया वो फिर उनका लॉस है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं, ताकि इस तरह की अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी वर्डिंग आ जाए, गिफ्ट के बारे में डिस्कस हुआ है, कल इंशाल्लाह क्लास होगी, आप जरा मुझे टाइमिंग के ऊपर बताएं, 11 बजे से रख लू मैं क्लास। अच्छा देखिये, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन हमें और लगेंगे पार्टनरशिप्स में, क्योंकि हमने अमलगमेशन का पढ़ना है, ठीक है। और अमलगमेशन में भी आपके पास 2 सिनेरियोस होते हैं, एक विद रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है और एक विद रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो मंडे विल इंशाल्लाह मंडे विल बी द लास्ट डे ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे निकल गए हैं CCP से, ऑब्वियसली वो तो एक अंडरलाइंग अजम्पशन होती है कि आपका थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो ही जाएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर उसको कवर कर लेंगे किसी और टॉपिक से, ठीक है। अच्छा 11:30 हो रहा है, क्या आई डोंट थिंक वर्किंग ठीक है, लेकिन अच्छा आपकी M4 जो है उसामा, M4 में वैसे उन्होंने आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगा हुआ नहीं था, आपसे सिर्फ उन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी हुई थी, लेकिन आपने अगर SOSP बना लिया बैलेंस करने के लिए तो अच्छी बात है, आप पता लग गया आपको, ठीक है। कल इसको इंशाल्लाह M4 को कल डिस्कस करते हैं, लाइट का इश्यू है, टेस्ट जो है ना फिर आपका फिर ट्यूजडे को ही होगा, एक दफा हम चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कम्प्लीट कर लें तो फिर टेस्ट आपका एक दिन डिले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने एक होमवर्क ये तो आपने जरूर करना है, M3 जो है ना, M3 डिसोल्यूशन का सवाल है, डिसोल्यूशन में इसके अलावा और कोई खास बात नहीं होती, आपने बस M3 कहाँ गया, M3 ऊपर है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने M3 को सॉल्व करना है, ठीक है। अमलगमेशन में जी रियलाइजेशन और रिवैल्युएशन दोनों टेस्ट हो चुके हुए हैं अमलगमेशन में, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को इतनी तो यहां से तसल्ली दिला दी है कि अगर रियलाइजेशन और इवैल्यूएशन में सिर्फ एक मेजर फर्क है, एक तो प्रेजेंटेशन है और दूसरा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में डिसोल्यूशन कॉस्ट जाती है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जाता है, रिवैल्यूएशन में ऐसी कोई चीज नहीं होती, राइट। मेन डिफरेंस जो है वो यही चीज है, अमलगमेशन के वक्त पे अगर कोई इस तरह से आ जाता है तो वो कैसे होगा वो हम इंशाल्लाह कल और परसों देख लेंगे। इस सवाल को मैं इसलिए M3 और M4 पे मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है,
बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ एक या दो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा उस पर सोचें। M3 के अंदर जो थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, वो पॉइंट नंबर 1 आता है, ये चीज। ज़िया अग्रीड टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। पीछे से चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ये आपका पास्ट पेपर का सवाल है, ऑटम 2014 में टेस्ट हो चुका हुआ है, और ये इसमें बस एक ये वाला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी ये आपके पास वही चीज है। ये रियलाइज का टर्म इस्तेमाल हो गया, यानी कि क्या हुआ, इन एसेट्स को आपने कैश में कन्वर्ट किया, डेटर्स ने आपको पे ऑफ कर दिया, इतना स्टॉक को बेचा आपने, इतना मिल गया, ठीक है। बस ये नहीं बताना था, अच्छा चलिए ठीक है, इसको करें अटेम्प्ट कल इंशाल्लाह। हम M4 और M3 को भी देख लेंगे कल इंशाल्लाह 11:30 बजे। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया है, M18, ठीक है, M18 कराया है, और कल इंशाल्लाह फिर हम 11:30 बजे मिलेंगे। 11:30 बजे सब अग्रीड है, ठीक है। 11:30 से हो सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम 2 घंटे की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह क्लास, ठीक है। उसमें हमने होमवर्क भी मैं आपको शेयर कर लूंगी इसके सोल्यूशन, और आपके सामने मैं अमलगमेशन भी फिर हम स्टार्ट कर देंगे। अमलगमेशन में कल हम मोस्ट ऑफ दी रिवैल्यूएशन से सॉल्व करेंगे और मंडे को रियलाइजेशन से, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने पैक के क्वेश्चन बैंक पे जितना भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हुए LMS पे, वो जो रहते हैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ रिजोल्यूशन, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी टेक्स्ट ICAP की आपके पास अवेलेबल है, रिवाइज वो भी मैंने अपलोड कर दिए हुए, जो पुराने इंट्रो के जो पुराने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए हुए। आपके पास CAS 5 का एग्जामिनेबल सप्लीमेंट भी मौजूद है, उसमें आपके पास और क्वेश्चन मौजूद है, वो आप करना शुरू कर दें अटेम्प्ट, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन शुरू से प्रैक्टिस रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 11:30 बजे। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और अभी मैं क्लास एंड करने के बाद आप लोगों का कल जो रिकॉर्डिंग मिस हो गई है ना, वो फिर मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड करवा दूंगी, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफिज।